Okay, now we are going to start problem set 4. क्या करें हम लोग भी problem set 4 start करें. Problem set 4 question number 2 से हम लोग start करेंगे. Question number 2. Question number 2 में क्या बताया कि हम लोग को रेशियो लिखने हैं. Okay, first number to second number, ratio of first number to second number. First question is 21 and 48. 21 and 48. So ratio of 21 to 48 is equal to 21 ratio 48. ये हम लोगों ने एक्सरसाइज में ऑलरेडी किया है. ओके, फटाफट तुम्हारे समझ में आ जाएगा. 21 ratio 48 is equal to 21 divided by 48. कैसे लिखेंगे? 21 divided by 48. अब इसमें अगर तुम लोग को टेबल्स आते हैं तो तुम लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हो. 3 7s are 21, 3 16s are 48. 3 7s are 21, 3 16s are 48. 3 3 cancel, answer is 7/16 is 7 ratio 16. क्या आंसर आया? 7 ratio 16. मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रेशियो और प्रपोर्शन के लिए तुम लोग को टेबल्स आना बहुत ही ज़रूरी है. टेबल्स आएंगे तो ये जो रेशियो है, रेशियो तुम लोग फटाफट लिख सकते हो. सेकेंड इज 36 and 90. रेशियो ऑफ 36 to 90 इज इक्वल टू 36 ratio 90. मीन्स 36 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू 18 2s are 36, 18 5s are 90. 18 2s are 36, 18 5s are 90. 18 18 कैंसल, क्या बचा? 2/5 मीन्स 2 ratio 5. क्या बचेगा यहाँ पे? 2 ratio 5. अंडरस्टूड एवरीवन? थर्ड में देखो क्या है. 65 and 117. 65 and 117. रेशियो ऑफ 65 टू 117 इज इक्वल टू 65 ratio 117. कैसे आएगा? 65 ratio 117 मीन्स 65 डिवाइड बाय 117. 13 5s are 65, 13 9s are 117. 13 5s are 65, 13 9s are 117. राइट? 13 13 कैंसल, 5/9 आंसर आया. 5 ratio 9. व्हाट इज आंसर? 5 ratio 9. ओके, नेक्स्ट देखो. 138 161. 138 161. रेशियो ऑफ 138 to 161 इज इक्वल टू 138 ratio 161 इज इक्वल टू 138 डिवाइड बाय 161. 23 6s are 138, 26 7s are 161. 26 6s are 138, 23 7s are 161. आंसर इज 6/7, दैट इज 6 ratio 7. क्या आंसर आया? 6 ratio 7. ओके, See, fifth sum is 114133. Ratio of 114 to 133. 114 to 133 is equal to 114 ratio 133 is equal to 114 upon 133. 114 divided by 133. 19 6 are 114. 19 7 are 100. 19 के टेबल में दोनों जाते हैं. 19 6s are 19 7s are 19 19 कैंसल, क्या बचा? 6/7. तो क्या रेशियो आया? 6 ratio 7. क्या रेशियो आता है? 6 ratio 7. Understood everyone? Write down.